रॉबर्ट डाउनी जूनियर, हाँ यार क्रेजी हो गया है भाई कि भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ गया, जो हम चाहते थे वो भी हो गया। आई नो भाई कि मतलब काफी सारे लोग ये चाहते थे कि भाई आयरन मैन वापस आ जाए, बट मैं नहीं चाहता था। मैं ये चाहता था कि आयरन मैन का ना थोड़ा ऐसे प्रीक्वल अगर बन जाए, ठीक है, कि आयरन मैन बनने से पहले टोनी स्टार्क कैसे बना, लाइक प्रॉपर वैसा कुछ बन जाए तो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि आयरन मैन वापस आए, वो उसकी लेगेसी एकदम फाड़ तरीके से एंड करी। बट डीप डाउन मैं ये चाहता था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आए, एंड आई थिंक यही चीज ना मार्वल ने बहुत फाड़ तरीके से कर दी है। जब हमें लगा था कि मार्वल के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, तो उन्होंने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र निकाला, रॉबर्ट डाउनी फकिंग जूनियर एमसीयू में वापस आ रहे हैं, और इस बार सबसे बैडएस विलन बनकर, डॉक्टर विक्टर वॉन डूम। ये बंदा जीता जागता रियल लाइफ ईगो का इनकार्नेशन है भाई। दुनिया बचाना क्या, अर्थ को रूल करना क्या, किसी की बीवी को उठाना क्या, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे भाई सबसे जरूरी फर्क ये पड़ता है, इज्जत, भौकाल, रौला, और वो भी इज्जत हर उस शख्स से जो खुद को भगवान मानता है, उससे ऊपर मानता है। बाकी ये सारे सुपर विलन्स भाई अपने लाइफ में मोटिवेशंस बदलते होंगे, बट ये नहीं। एंड इसीलिए मैं इस हरामजादे को पसंद करता हूं, क्योंकि इसका स्वाभिमान और अभिमान इतना टॉक्सिकली बड़ा है कि भाई अपनी पूरी जिंदगी चोदने के लिए तैयार है तुम्हें सिर्फ साबित करने के लिए। और ये इस बात को लेकर बहुत ही सेल्फ अवेयर है, जो भाई ये ईगो में आके चीजें अचीव करता है ना, प्रॉपर क्लासिक इसे विलन बनाता है। इंसान होने के बावजूद भी ये गॉड से भिड़ जाता है, प्यार को सैक्रिफाइस कर देता है, एक देश को कब्जा कर लेता है, वो भी क्यों, क्योंकि इसकी फीलिंग्स किसी ने हर्ट कर दी थी। ऐसा अहंकारी आदमी है ये, एंड फॉर दैट आई लव हिम। जिसको ध्यान में रखते हुए मार्वल ने सही डिसीजन लिया कि अपने आरडीजे को ऐसे ऐसे कैरेक्टर के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर भाई सूट भी करेगा, सूट भी करेगा। As Dr. Doom introduce किया, MCU के greatest hero से लेकर अभी greatest villain में transition किसी legendary decision से कम नहीं होने वाला। हम सबको लगता था कि भाई MCU में RDJ का time हो गया, अब वो नहीं आ रहे हैं। But जैसा अभी Deadpool and Wolverine movie ने Marvel के मजे लिए कि ये multiverse saga उन पे miss पे miss ही रही है, and जिस low point पे अभी Hugh Jackman आए हैं, अभी MCU काफी down चल रहा है, ये बात movie में कही गई थी। और इन्हीं हालातों को thank you बोलो, क्योंकि अगर ये downfall ना होता ना, तो Marvel कभी भी RDJ को as Dr. Doom ना बनाता, क्योंकि फिर वो तो कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हम तो कुछ भी बना लेंगे। जहां पे भाई अपने जोनाथन मेजर्स के इश्यूज के चलते अपने नेक्स्ट फ्यूचर प्लान को उन्होंने पूरा स्क्रैप करके फिर से रीराइट उन्हें करना पड़ा, जिसकी डेट्स और आगे डिले कर दी गई है। अनफॉर्चुनेटली हमें अपने सैन डिएगो को कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छे कॉन्टेंट के लिए अगर डिले हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज भाई, अच्छी मूवीज लाओ, ले लो टाइम भाई। ये सेम चीज हमने GTA 6 के साथ भी करी है भाई। हम जब GTA 6 का ट्रेलर आया 2025 था, तो दिल में एक दुख हुआ कि हाँ भाई एक साल वेट करना पड़ेगा, बट हम खुश भी थे कि भाई अगर एक साल ये और अभी भी ले रहे हैं तो भाई साहब बहुत ही कुछ पढ़ाने वाला है, ठीक है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर ये और ज्यादा टाइम ले रहे। कॉमिक कॉन के हॉल एच में मार्वल के एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तो अनाउंस ही की गई उसके नए लोगो और नए रिलीज डेट के साथ, जहां पे भाई तुम जानते हो मार्वल ये बात हमेशा से करता आ रहा है, फिर से वो लोगो चेंज होगा ये बात मान के चलना। जहां पे भाई मूवी की रिलीज डेट की बात करें, तो अब सीक्रेट वॉर्स आ रही है अनफॉर्चुनेटली 2027 में, जहां पे भाई इसकी स्टोरी 100% ये चेंज करेंगे। पर उसी के साथ साथ इससे पहले एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलने वाली थी, उसे चेंज करते हुए उसका नाम अब हमें एवेंजर्स डूम्से देखने को मिलेगा, वो भी सीक्रेट वॉर्स से पहले, जिसकी रिलीज डेट है मई 2026। तो भाई आरडीजे में बहुत ही पहले देखने को मिल जाएंगे, जिनका आर्क स्टार्ट करने के बाद सीक्रेट वॉर्स में भाई इनकी हेल्प लगेगी ही लगेगी। बट इस चीज को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि मार्वल ने इन दोनों मूवीज के डायरेक्टर्स को भी अनाउंस किया, जो कि होंगे अपने रूसो ब्रदर्स। इन्होंने एवेंजर्स एंड कैप्टन अमेरिका मूवीज को एक नया डायमेंशन दिया, पर साथ ही साथ चिंता खत्म करने वाली बात ये भी हमें सुनने को मिलती है कि एमसीयू में अब स्टीफन मैकफीली भाई इन मूवीज को राइट करने आ रहे हैं, एंड ये बड़ी बात है, क्योंकि भाई पास्ट में उन्होंने यार ये बहुत बड़े प्रॉमिसेस हैं, और अब अगर इन्होंने कर दिया ना तो ये मार्वल का एंड हो सकता है। अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बुला के इन्होंने अगर कर दिया कि भाई अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकला, तो ये बहुत मेजर चमाट हो सकता है मार्वल के चेहरे पे, बहुत मेजर लॉसेस हो सकते हैं इस चीज की वजह से, फट सकती है मार्वल की। सो फर मार्कस अपने दोस्त के साथ मिलकर, रूसो ब्रदर्स के साथ मिलकर भाई अपने विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम जैसी मूवीज दी हैं, तो भाई स्टीफन भाई इस बार अकेले रहेंगे, बट आई थिंक मामला वो संभाल लेंगे। फाइगी का इन राइटर्स को वापस लाना बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन था, वो जान रहे थे किस परेशानी में फंसे हुए हैं और क्या उन्हें डिलीवर करना है, बट आई थिंक वो पीक ही डिलीवर करेंगे। जिसके साथ साथ एमसीयू का नेक्स्ट पूरा स्लेट भाई अब हिल चुका है, क्योंकि ओरिजिनली एवेंजर्स मूवीज 25-26 में आने वाली थी, तो ये पूरे साल के गैप के बीच में वो करेंगे क्या, जहां पे भाई उन्हें डिलीवर तो करना ही पड़ेगा, खाली नहीं ना छोड़ सकते, क्योंकि क्या पता डीसीयू बड़े रिस्क लेने लगे और तब इनकी गांड फट जाए भाई, तब अनाउंसमेंट के बाद क्या करना पड़ेगा इन्हें। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए
डिज्नी का D23 का इवेंट अगले महीने होने वाला है, उनका प्राइवेट छोटा सा कॉमिक कॉन जो कि यूएस में अगस्त 9-10-11 को होगा, विच मींस कि इंडिया में 10-11-12 को सुनने को मिलेगा, जिसमें वो बहुत हद तक अपने फेज 5 का कंक्लूजन और फेज 6 से स्लेट अनाउंस करेंगे प्रॉपर वाला, जिसमें स्पाइडरमैन तो 100% हम मान के ही चलते हैं, साथ ही साथ एक्समैन की मूवीज भी अनाउंस की जाएंगी ये उम्मीदें हैं, और उसी के एडिशनली हमें ब्लैक पैंथर की एक और मूवी भाई अनाउंस तो करेंगे ही करेंगे, जहां भाई उम्मीद ये मैं ये लेके चलता हूं कि हमें प्लैनेट हल्क सागा का जो इतना सब कुछ सेटअप करते हुए अभी आ रहे हैं उसको लेकर कोई ना कोई वो मूवी जरूर अनाउंस करेंगे, जहां पे अगर ये हो जाता है तो मैं मंदिर में माथा टेक कराऊंगा, बाकी देखते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड भाई आरडीजे के डॉक्टर डूम के अलावा जिस मार्वल मूवी के लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूं वो है फैंटास्टिक फोर, जिसका पूरा नाम उन्होंने रिलीज किया है I never liked Fantastic Four. मेरे को कभी जमा ही नहीं Fantastic Four यार, सही में पता नहीं क्यों, it feels weird पता नहीं देखने में Fantastic Four, मेरा मतलब पर्सनल चीज है, लोगों को बहुत पसंद है Fantastic Four एंड ऑब्वियसली होगा बढ़िया, बट मेरे को नहीं जमा कभी। Fantastic Four First Steps जो कि आई थिंक मून पे जाने वाली वही बात ही होगी, मून पे वाले First Steps, क्योंकि वो स्पेस रॉकेट भी हमें देखने को मिला हुआ था उसमें, जिसपे फॉर्चुनेटली मैंने इसका कॉन्सेप्ट लीक्ड ट्रेलर देखा है, क्योंकि भाई अब मूवी की शूटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन कॉन्सेप्ट का भाई वो ट्रेलर उन्होंने रिलीज किया कॉमिक कॉन पे एंड वो विजुअली रिडिकुलसली इतना कमाल का था कि भाई देखते ही बनता है, वो अपने रेट्रो पास्ट को इम्ब्रेस करते हुए बीच बीच में इतना स्लीक और स्टाइलिस्टिक हो जाते हैं ना कि देख के लगता ही है कि आप किसी और दुनिया में हो। उन्होंने अपने रेट्रो फ्यूचर में कार्स और उड़ाते हुए दिखाए हुए हैं। ठीक है यार, फैंटास्टिक फोर का तो इतना नहीं पता मेरे को, बट रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज कमिंग बैक, मैं इतना सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि ये स्टोरी को फॉर्म कैसे करेंगे, कि कितना विजुअली चेंज करा जाएगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फेस को एंड एवरीथिंग, लाइक इट्स गोना बी समथिंग। ऐसी डेली हाइलाइट्स आती हैं इस चैनल पे, रोज एक हाइलाइट आती है, सो मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब करो इस चैनल को, जिससे कि तुम रोज एक नई वीडियो देख सको, एक नए टॉपिक पे नई बातचीत देख सको और रोज मजे कर सको, सो मेक श्योर कि तुम नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर करो।